हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद, मैं हूं साकिब उल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। कड़ी बैन अक्वामी पाबंदियों के बावजूद शिमाली कोरिया ने किया एक और मिसाइल तजर्बा। आलमी रद्द अमल से आपको आगाह करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीका में पनाह लेने वाले एक रोहिंग्या खानदान से मुलाकात। मेरा जान तो बासा मुश्किल हो जाएगा ना। कॉफी से चलने वाली बसें और खला से समंदर का मुशाहिदा आज के टेक सेगमेंट में। और लाहौर की कुछ खुशबूदार गलियों की सैर। वो डिपेंड तो लाहौर पे करते हैं, हम से आगे ले जाते हैं परफ्यूम बहुत से रेट पे। शिमाली कोरिया ने सितंबर के बाद कल पहली मरतबा एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का तजर्बा किया। माहिरीन के मुताबिक यह हथियार अमरीका तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। ये इस साल शिमाली कोरिया का 16वां मिसाइल तजर्बा था। इसके बाद शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने कहा कि रियासत की जौहरी कुव्वत की तकमील से मुल्क ने बिलाखिर अपनी तारीख का सबसे अजीम मकसद हासिल कर लिया है। दूसरी जानब शिमाली कोरिया के हमसाय ममालिक और अमरीका में इस पेशरफ से तशवीश की नई लहर दौड़ गई है। सहर माजिद इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। सहर, ये जो मिसाइल टेस्ट कल हुआ ये माजी से कितना मुख्तलिफ था और इसके बाद फिर आलमी बिरादरी अब किन इकदामात पर जोर दे रही है? थैंक यू सारा। शुमाली कोरिया की तरफ के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अब तक का सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। ह्वासंग 15 नामी इस मिसाइल को जब लॉन्च किया गया तो ये 4500 किलोमीटर की बुलंदी को छू गया, जो अब तक की बुलंदतरीन परवाज है। 53 मिनट हवा में रहने के बाद ये जापान के समंदर में जा गिरा। इस बारे में आलमी बिरादरी का क्या रद्द अमल सामने आया है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की तरफ से किए जाने वाले मिसाइल लॉन्च पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया की तरफ से किसी भी किस्म की गलत फहमी कबल अज वक्त जंग का बायस हो सकती है। ये बहुत परेशान कुन बात है, लेकिन शुमाली कोरिया के खिलाफ दिफाई इकदामात के लिए किसी भी दलील की बुनियाद इस गलत फहमी पर मुनहसर नहीं होनी चाहिए कि शुमाली कोरिया को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि शुमाली कोरिया को रोकना बिल्कुल मुमकिन है। जनूबी कोरिया के सदर मून जे उन ने कहा है कि शुमाली कोरिया की इस हरकत ने पूरी दुनिया के अमन अमान को खतरे में डाल दिया है। जनूबी कोरिया अमरीका और बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी के पास इस वक्त शुमाली कोरिया पर पाबंदी आयद करने और दबाव डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हम इस मसले को सुलझा लेंगे। उन्होंने मजीद वजाहत नहीं की लेकिन कहा कि शुमाली कोरिया के हवाले से अमरीका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कुछ भी नहीं बदला है, हम इस मामले के बारे में बहुत संजीदा हैं। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने अक़वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। इस मिसाइल तजुर्बे की वजह से शुमाली कोरिया पर दबाव बढ़ेगा लेकिन वो अपने जोहरी अजायम से पीछे नहीं हटेगा। शुमाली कोरिया की इन सलाहियतों पर किसी बातचीत से कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। उनका न्यूक्लियर मिशन उनकी पहचान का हिस्सा है, उनकी कौमी सलामती की पॉलिसी का अहम जुज है। शुमाली कोरिया अक़वामे मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से लगाई जाने वाली पाबंदियों को नाजायज करार देता है और उन्हें चैलेंज करता है। शुमाली कोरिया का कहना है कि इसका एटमी प्रोग्राम मुल्क को अमरीका से बचाने की एक कोशिश है। बास तज़िया कारों का ख्याल है कि शुमाली कोरिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस की वजह उनके सामने लीबिया और इराक की मिसालें हैं, क्योंकि जब वहां के लीडर्स ने अमरीका के दबाव में आकर अपने जौहरी अजायम को छोड़ा तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि शुमाली कोरिया अमरीका पर हमला करने के लिए कभी भी पहल नहीं करेगा। इन न्यूक्लियर टेस्ट का मकसद सिर्फ उनके मुल्क की सलामती के लिए उनको यकीनी बनाना है। जी सर माजिद, हमें शुमाली कोरिया के ताज़ा तरीन मिसाइल तजर्बे से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह कर रही थी, थैंक यू सर। कैथलिक ईसाइयों के पेशवा पोप फ्रांसिस ने म्यांमार में आज एक बड़े मजहबी इज्तम से खिताब किया जिसमें उन्होंने अमन और मुफाहमत पर जोर दिया। पोप ने बुद्ध मजहबी रहनुमाओं को पैगाम दिया कि वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाले लोगों के दरमियान दूरियां खत्म करने की कोशिशें करें। अपने 3 रोज़ा दौरे में किसी सफारती तनाज़े को जन्म ना देने की कोशिश में पोप ने रोहिंग्या का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया लेकिन मुफाहमत और इत्तेहाद के पैगाम को
पोप की जानिब से रोहिंग्या बहरान की तरफ एक इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। पोप का अगला पड़ाव है बांग्लादेश, जहां तवक्को है कि वो कुछ रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात भी करेंगे। इस वक्त म्यांमार से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 15 लाख रोहिंग्या एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बतौर पनाहगज़ीन रह रहे हैं। इनका सबसे बड़ा मेज़बान है बांग्लादेश, जहां तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या 7 रेफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। इनमें से 8 लाख के करीब तो सिर्फ अगस्त से अब तक वहाँ पहुँचे हैं। आलमी इमदादी तंजीमें बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्या के लिए तकरीबन 43 करोड़ डॉलर की अपील कर चुकी हैं, जिसका अब तक सिर्फ 1/4 जमा किया जा सका है। और पिछले कुछ सालों में म्यांमार से बांग्लादेश पहुंचने वाले बाज रोहिंग्यास को अमेरिका में बतौर पनाहगज़ीन भी आबाद किया गया है। यहाँ उन्हें अपने कदम जमाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये जानने के लिए चलते हैं सबा शाह खान के साथ रियासत न्यूयॉर्क के शहर सिराक्यूज। एक मछेरे की जिंदगी से सिराक्यूज न्यूयॉर्क तक का सफर। कासिम दिल मोहम्मद की कहानी बहुत से रोहिंग्या की कहानी से मुख्तलिफ नहीं। वो बर्मा के मोंगदू गांव में अपने खानदान के साथ मछलियां पकड़ने का काम करते थे, लेकिन पकड़े हुए माल का हिसाब पुलिस को देना पड़ता था। फिर ये पुलिस की मर्जी पर था कि वो उन्हें माल ले जाने देती या नहीं, और साथ ही मार भी पड़ती। और फिर एक दिन पुलिस ने उन्हें बेतहाशा मारा। मेरा जान तो बासा मुश्किल हो जाएगा ना, बिजली नहीं गोरी पारेगा, नहीं चलेगा, खाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरा माँ है, बोन है, मेरा ये बात करेगा, देखो मेरा शुक्र बने आ जाएगा। इसलिए मुझे बदन है बांग्लादेश चली गया, इसलिए मुझे द्वारा मलेशिया चली गया, इसलिए मुझे देश छोड़ दिया। और यूं जान बचाने और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए मजबूरन कासिम को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। ये बर्मा में ज़्यादा ज़्यादा आदमी फ्री है, बर्मा में पन्ना स्कूल पढ़ा है फ्री है, रोहिंग्या लिखा फ्री नहीं। कासिम कहते हैं यही वजह है कि 90% रोहिंग्या पढ़े लिखे नहीं हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुजीनों की कुल तादाद इस वक्त 10 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसमें से तकरीबन 8 लाख हाल ही में म्यांमार फौज के जुल्म से जान बचाकर भागे हैं। बर्मा गवर्नमेंट बॉडीज है तो मिलिट्री है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट क्या करेगा, छोटा छोटा माइया है ना, 10 साल 12 साल हो गया, छोटा छोटा माइया है, लेब करेगा। तो आपका घर जला दिया था उन्होंने? अभी जला दिया, अभी जला दिया, मेरा वाइफ घर बाप फादर है ना, जला दिया, मेरा घर भी जला दिया। नतीजतन उनके खानदान को बांग्लादेश में पनाह लेनी पड़ी। कासिम कहते हैं कि अमेरिका आने के लिए फॉर्म उन्होंने ये सोच कर भरा था कि यहाँ उनके बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि बर्मा, मलेशिया और बांग्लादेश में उनके बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने में मुश्किलात होंगी। मेरा दिल में धागा है, मुझे शीशा है, पढ़ना बहुत पढ़ना पड़ेगा, मुझे एक डॉक्टर बनेगा, एक टीचर बनेगा, मानू मुझे पैसा कमाएगा इंशाल्लाह। कासिम के बच्चों असमा और अजीजुल्ला का दिल स्कूल में लग गया है, लेकिन वो म्यांमार के हालात से बखूबी वाकिफ हैं। वो घरों को जला रहे हैं, उनके पास बंदूकें हैं जिनसे वो लोगों को मारते हैं। फिलिशिया कैस्ट्रिकोन रेफ्यूजीज की आबादगारी में मददगार कैथोलिक चैरिटीज की प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। वो कहती हैं नए आने वाले रोहिंग्या शुरू में बहुत डरे हुए होते हैं, और फिर वक्त के साथ उनका इत्मीनान बहाल होता है। They hadn't had that acceptance in Burma. उन्हें बर्मा में तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन हमारे यहाँ के बर्मी मुसलमानों ने उन्हें खंदा पेशानी से कबूल किया, और फिर दीगर बर्मियों ने जो खुद भी पनाह गुजीन हैं इनका भरपूर इस्तकबाल किया। उज़्मा फरूख मुसलमान रेफ्यूजीज की देखभाल के लिए वॉलंटियर करती हैं, और कासिम को उन्होंने बहुत मेहनती पाया। वो उसको जो है ना जॉब ढूंढ रहा था, तो जॉब मिली उसको, फिर उसने गाड़ी ले ली, तो उससे मुझे उसने बताया कॉल करके कि जो है ना बाजी मैंने गाड़ी भी खरीद ली है और मैं अब आपके पास आ सकता हूँ। कासिम ने अपनी जिंदगी की सिम्त मुतय्यन कर ली है, उन्होंने मुझे अपने बच्चों के ग्रीन कार्ड्स दिखाए जो अभी आए हैं, लेकिन वो बांग्लादेश में फंसे अपने घर वालों को भूले नहीं हैं। एवरी डे खाना खाने का याद आएगा, नमाज पड़ेगा ना, मुझे एक दिन में फर्स्ट टाइम नमाज पड़ेगा, नमाज में मुझे खुदा में मुझे अल्लाह अल्लाह खुदा ऊपर में मुझे हाथ उठाया मांगेगा, हालत थोड़ा बदली दो। कासिम अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत की राह पर गामजन है। वो 3 नौकरियां करते हैं, और हाल ही में उन्होंने गाड़ी भी खरीदी है, जिसकी वजह से अब उनके लिए काम पर पहुंचना आसान है। सबा शाह खान की रिपोर्ट हमने देखी, और इस वक्त सबा हमारे साथ हैं। सबा, बहुत दिलचस्प रिपोर्ट थी ये, बताइए आपने जैसे रिपोर्ट में भी कहा कि 90% के करीब जो रोहिंग्या हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं होते, तो जब वो लोग यहाँ आते हैं तो कैसे अपने लिए भाग दौड़ कर पाते हैं?
अच्छा सारा, सही कहा आपने कि 90% ज़्यादा लोग इनमें पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने हुकूक का भी इन्हें अंदाज़ा नहीं होता, आते हैं तो काफ़ी डरे हुए भी होते हैं, तो उनके लिए ट्रस्ट करना अपने कम्युनिटी वर्कर्स को जो इनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं और दूसरों को, खासा मुश्किल होता है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन तालीम की अहमियत से ये बखूबी वाकिफ़ हैं और उसको अहम समझते हैं, तो अपने बच्चों को स्कूल्स में दाखिल कराते हैं, खुद 2-3 नौकरियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन शाम में उसके बावजूद जाके क्लासेस लेते हैं, अंग्रेज़ी सीखते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, और ये कि बच्चे क्योंकि जल्द पिक कर लेते हैं तो फिर वो पेरेंट्स को हेल्प आउट करते हैं, और ये कि जो वहाँ की मकामी कम्युनिटी है जिसमें मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स दोनों ही शामिल हैं, उनके साथ बहुत तआवुन कर रहे हैं। तो ये बताइए कि एक ख़ानदान की कहानी तो हमने देखी है, तो सर कि उसके इलाके में इस वक्त कितने ख़ानदान आबाद हैं रोहिंग्यास? तो पिछले 1.5-2 साल के अरसे में तकरीबन 6-7 फैमिलीज़ हैं जो कि रोहिंग्या फैमिलीज़, जिनको सिराक्यूज न्यूयॉर्क में आबाद किया गया है, और ये कि वहाँ की मकामी बर्मी कम्यूनिटी के साथ जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, इनका बहुत अच्छा ताल्लुक बन गया है। एक और चीज़ जो कि बहुत अहम है वो ये कि 27 जनवरी का जो सदारती गुमनामा था उसके बाद रेफ्यूजीज़ के अमेरिका आने पर पाबंदी का सिलसिला कुछ रुक सा गया था, तो उसकी वजह से जो रोहिंग्या ख़ानदान है जिनके कुछ लोग पीछे रह गए थे वो काफ़ी मायूस हो गए थे, लेकिन पिछले माह सदर ट्रंप ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत अब दोबारा से रेफ्यूजीज़ लेने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। उसमें यह है कि उन ममालिक से भी जिन पर पाबंदी आई थी वहाँ से भी रेफ्यूजीज़ लिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो टोटल नंबर है रेफ्यूजीज़ लेने का 1,10,000 उसको रिड्यूस करके कम करके 45,000 कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो जाँच है उसको भी मज़ीद सख्त कर दिया गया है। साहब बहुत शुक्रिया आपकी इतनी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट का और हमें टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। भारत में जारी बैन अक्वामी कारोबारी इजलास में आपको ले चलेंगे कुछ ही देर में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, और चेक की दुनिया से कुछ दिलचस्प खबरें भी शामिल हैं आज के प्रोग्राम में। और उसके अलावा अगर आपको महंगी खुशबुएं पसंद है तो हमारे साथ ही रहिएगा, आपको ले जाएंगे लाहौर की परफ्यूम मार्केट में भी। लेकिन इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ अहम खबरों की झलकियां। करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन में गिरफ्तार होने वाले अहम शहजादे मितब बिन अब्दुल्ला को $1 अरब के मुआहदे के बाद रिहा कर दिया गया है। शहजादा मितब नेशनल गार्ड के साबिक सरबराह और मरहूम बादशाह अब्दुल्ला के बेटे हैं। वो बादशाहत के लिए एक नुमाया उम्मीदवार थे। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सिसी ने फौज को हुक्म दिया है कि वो सिनाई के इलाके को अस्करियत पसंदों से 3 माह के अंदर पाक कर दे। इसके लिए फौज को हर तरह की ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। जुमे के रोज इलाके की एक मस्जिद में अस्करियत पसंदों ने 300 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया था। अमेरिका की एक अदालत ने लीबियाई शहरी अहमद अबू कताला को दहशतगर्दी का मुजरिम करार दे दिया है। कताला को लीबिया के शहर बेंगाज़ी में अमरीकी सफारत खाने पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में एक अमरीकी सफीर समेत 4 अफराद हलाक हो गए थे। तहम अबू कताला को कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया है। जापानी कार कंपनी टोयोटा ने एक ऐसा रोबोट मुतारिफ करवाया है जो इंसानी हरकत की नकल कर सकता है। इस रोबोट से मुंसलिक सिस्टम को पहनकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये रोबोट बुजुर्ग अफराद की मदद के लिए बनाया गया है। अमेरिका और भारत की क़यादत में 3 रोज़ा बैन अक्वामी कारोबारी इजलास इन दिनों भारतीय शहर हैदराबाद में जारी है। अमेरिकी वफ़द की क़यादत सदर ट्रंप की बेटी और मशीर खास इवांका ट्रंप कर रही हैं। इस इजलास में पाकिस्तान समेत दुनिया के 150 मुल्कों से तकरीबन 1500 कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा मिशेल क्विन से जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। मिशेल, यू आर एट दिस समिट, व्हाट्स द फोकस? आई नो इट्स बिजनेस, बट देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज दैट आर गेटिंग मोर अटेंशन, टेल अस अबाउट दैट। That's right, Sarah. The focus of this summit is women. The theme is women first, prosperity for all. And this is a summit. This is the 8th annual time. This is the 8th annual summit. It's put on by the U.S. State Department, and in this summit is being done with the Indian government. But the focus this year is on women entrepreneurs, and about more than half of the people here at this summit are women. Mm-hmm. And what kind go ahead, I'm sorry. Right, so I want to know what kind of help are they getting from each other? How concrete are the results? But let me go ahead and tell our viewers what you told us so far. So Michelle ka yahi kehna tha ki ye jo summit ho raha hai is waqt Bharat mein, isme focus khawateen pe kiya ja raha hai aur uska message bhi ye hai ki khawateen ko pehle mauqe diye jaye aur agar unko mauqe milenge to phir pure jo business community hai aur jo mumalik hain wo tarakki karenge. So khawateen focus hain. So Michelle, moving on, that's what I wanted to know. What kind of specific help are people getting at this summit?
Well, it's really interesting. I mean, some of it's very inspirational, kind of high level. You know, women should keep trying, you know, when not to, you know, don't give up, things like that. But a lot of it is also very specific, like how to get funding, how to get funding when you're a startup, how to get funding when you're a mid-sized company. So that's one thing that's really interesting. And then even people talking to each other about their projects. I was telling somebody here about two women who were both interested in, who had businesses that involved seeds. One's from Afghanistan and one's from Rwanda. And I just happened to introduce them to each other because I had been talking to them. سو اس وقت جو سمٹ ہے اس میں ایک تو خواتین کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے, ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ کاروبار کے شعبے میں آگے آ سکتی ہیں, کیسے آنا چاہیے اس بارے میں ان کو بڑی ٹھوس اس فورم کے ذریعے تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. ان کو یہ طریقہ خاص طور پر سکھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مختلف سائز کا بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ان کو کس طرح سے مدد مل سکتی ہے. اور مشیل نے بھی وہاں ہمیں بتایا کہ کچھ ارینجمنٹ وہ لوگوں کے درمیان کرا سکی ہیں کہ روانڈا اور افغانستان کی خواتین جو ایک ہی پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں, ہماری مشیل کوئن ان کو آپس میں رابطہ قائم کرنے میں کامیاب رہی. مشیل, بوتھ انڈیا اینڈ امریکہ ہیو اے ویری اسٹرانگ میسج وین اٹ کمز ٹو میڈ ان امریکہ اینڈ میڈ ان انڈیا. سو وین دے ہیو دیز ٹو کمپیٹنگ فلاسفیز, ہاؤ آر دے کمبائننگ دوز ایٹ دس ایونٹ؟ ڈز اٹ لک لائک دیر از اے کانٹرڈکشن اور نو؟ Yes, of course, it seems like there's a contradiction. You know, how can you be America first and coexist in a world where the Indian prime minister says, you know, made in India, that's the most important thing. So there's an inherent contradiction. But both sides, both the Americans and the Indians say there isn't a contradiction, that you can be for your own country first and also be in a global situation where you actually believe that a mutual relationship is beneficial. Mm-hmm. So it is an inherent contradiction, but it's a very interesting one. تو امریکہ کا اور بھارت کا یہ الگ الگ جو پیغام ہے, امریکہ یہ پروموٹ کر رہا ہے کہ امریکہ میں چیزیں بننی چاہیے اور بھارت کہتا ہے کہ میڈ ان انڈیا کو پروموٹ کیا جائے, تو یہ دو الگ میسیجز تو ہیں, لیکن جو وہاں پہ اس وقت اہلکار موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان پیغامات کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں, کیونکہ آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر بھی. مشیل, لاسٹلی آئی وانٹ ٹو آسک یو بریفلی, انڈیا اینڈ یو ایس, انڈیا از اے میجر ایلائی آف یونائٹڈ اسٹیٹس, ہاؤ اسٹرانگ از دا پولیٹیکل میسیجنگ ایٹ دس ایونٹ؟ The messaging is very interesting. I mean, yesterday was the day when Prime Minister Modi spoke and Ivanka Trump, special advisor to President Trump, spoke, and they said over and over again that the friendship and the partnership between these two countries has never been closer. Mm-hmm. So they are presenting themselves as, you know, a united front, at least here. All right, thank you very much, Michelle. اور مشیل بتا رہی تھی کہ اس ایونٹ پہ جو بھارتی وزیر اعظم مودی ہیں اور اس کے علاوہ ایوانکا ٹرمپ, ان دونوں نے ہی ان دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جو دوستی ہے اس کو بہت نمایاں کیا, اس کے بارے میں بہت بات کی. مشیل, تھینک یو ویری مچ فار کورنگ دس سمٹ فار اس. تھینک یو. کافی کے عادی لوگوں کا دن اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتا, اور کچھ ایسا ہی حال لندن کی بسوں کا بھی ہونے والا ہے. اور خلا سے سمندری حیات کا مشاہدہ کیوں اور کیسے, جانتے ہیں اس ہفتے کے ٹیک سیگمنٹ میں. کافی پینے کا شوق تو بہت سے لوگ رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ کے کافی پینے سے شہر کی بسیں چلنے لگیں تو ہے نا عجیب سا خیال. لیکن لندن کی ایک کمپنی نے اس عجیب و غریب خیال کو بنا دیا ہے حقیقت. لندن کی یہ بسیں استعمال شدہ کافی سے بنے ایندھن پر چل رہی ہیں. بایو بین نامی کمپنی پورے ملک سے ہزاروں ٹن استعمال شدہ کافی جمع کرتی ہے, اور پھر کیمبرج شائر میں واقع اس پلانٹ میں اس کافی سے بایو فیول بنایا جاتا ہے. بایو بین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ہر سال تقریباً 500,000 ٹن استعمال شدہ کافی مل سکتی ہے. لندن کے بس سسٹم کی کچھ بسیں کوکنگ آئل اور جانوروں کی چربی سے بنے بایو ڈیزل سے بھی چل رہی ہیں, اور اب ایک تہائی بسیں کافی فیول سے چلیں گی. لیکن بایو بین کی بنیاد رکھنے والے آرتھر چاہتے ہیں کہ لندن کی تمام بسیں کافی فیول سے چلیں. تو جناب, وہ وقت دور نہیں جب آپ اور آپ کی گاڑی دونوں کو صبح صبح دفتر جانے کے لیے کافی کی ضرورت ہوگی.
हमारे गहरे समंदर और झीले तरह तरह की आबी मखलूकात से भरे पड़े हैं और आप उन्हें देखने के लिए ऐसी दूरबीनें बनाई जा रही हैं जो खला से गहरे पानियों में मौजूद जिंदगी का सुराग लगा सकेंगी। समुद्री हयात के माहिरों का कहना है कि बहुत सी नन्ही आबी मखलूकात झंझट्टे की शक्ल में रहती है जिनका खला से बेहतर तौर पर मुशाहिदा किया जा सकता है और वजह यह है कि साइंसदान समंदर के बदलते रंग से आबी हयात की मौजूदगी का पता चलाते हैं और एक आबी मखलूक जिसकी मौजूदगी का पता लगाना जरूरी है वो है फाइटोप्लैंकटन, क्योंकि जमीन पर मौजूद आधी ऑक्सीजन ये माइक्रोस्कोपिक पौधे बनाते हैं और ये नहायत छोटी आबी मखलूक पानी के तब्दील होते हुए दर्जा हरारत और खुराक की मौजूदगी से एक जगह इकट्ठी हो जाती है और फिर एक जहरीला मादा खारिज करती है जो दूसरी आबी हयात के लिए तो नहीं लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक होता है। खला से उनकी मौजूदगी का डेटा इसलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि इंसानों के लिए मछलियों और झींगों के शिकार और फार्मिंग की महफूज जगह का तयन किया जा सके और इसीलिए साल 2022 में अमेरिकी खलाई अदारा नासा जमीन का मजीद गहराई से मुशाहिदा करने के लिए जदीद कैमरों से लैस एक और सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी कर रहा है। आपको कॉफी पीने की एक और वजह मिल गई है। बिल्कुल। अब कुछ बात करते हैं खुशबुओं की। परफ्यूम फ्रांस का हो या किसी महंगे अमेरिकी ब्रांड का, सबका फॉर्मूला है लाहौर की परफ्यूम मार्केट वालों के पास, जहां 10,000 रुपए तक का परफ्यूम भी चंद सौ रुपयों में मिल जाता है। चल तो फिर चलते हैं लाहौर की कदीम शाह आलम मार्केट की कुछ खुशबूदार गलियों में। दुनिया में ना दो ही तरह परफ्यूम बिकते हैं, एक कंसंट्रेट की सूरत में और एक स्प्रे की सूरत में। ये जो मार्केट है ये होलसेल मार्केट है, जो पुराना नाम है पापड़ मंडी, अब इसका नाम बोतल बाजार। यहाँ पर कंसंट्रेट बिकते हैं तो वो बस हमने तरीका ढूंढा हुआ है, अल्कोहल के बगैर परफ्यूम भर देते हैं। फ्रांस से इम्पोर्ट होता है, इसके काफी डीलर कराची में बैठे हुए हैं, कुछ लाहौर में बैठे हुए हैं, ये सब बुरी से आता है। बकायदा एलसी होती है, बकायदा इनवाइस है, इसकी इम्पोर्ट होता है, ये स्मगलिंग नहीं हो सकता। शैनल डीप ब्लू है, 212 है, अरमानी ब्लैक कोट है, ये 8-8-10,000 रुपए के परफ्यूम है। तो यहाँ के मार्केट के जो होलसेल डीलर क्वान्टिटी की सूरत में मंगवा लेते हैं, फिर ये परफ्यूम की सूरत में सस्ते करके परफ्यूम बिकते हैं। शीशी है 100 ml में, उसमें 25 ml कंसंट्रेट डालते हैं और बकाया केमिकल डाल देते हैं, वो शेक करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं और वो ज़्यादा मुतमिन होते हैं कि ये ज़्यादा सही परफ्यूम है। मेरे हस्बैंड इंडिया से इधर लेकर आते हैं, वो मैं यूज़ करती थी नमाज के लिए, मैं परफ्यूम में इस्तेमाल नहीं करती। अब मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। अपने मेरा सैंपल था मेरे पास, वो इन्हें मैंने दिखाया तो मैंने लिया। मैं तकरीबन हर महीने 3-4 बोतलें भरवा लेता हूँ अपने लिए, उससे एक आध बेगम के लिए हो जाती है, कुछ अपने लिए। यहाँ पे लोग आके 50 रुपए की भी वही चीज़ ले लेते हैं, वही चीज़ जो प्योर वाली है, 80 रुपए में भी वो चीज़ मिल जाती है, 150 रुपए में भी वो मिल जाती है। चलो फॉर एग्जांपल कहते हैं 300 का परफ्यूम बना दें, ठीक है, 300 के हिसाब से उसकी खुशबू की क्वांटिटी डालते हैं, बाकी T20 वगैरह केमिकल जो होते हैं वो डाल देते हैं। फिलिंग कॉपी नहीं, फिलिंग हम लोग ओरिजिनल बेसिस को इम्पोर्ट करते हैं। ये अंतिम 2000 के अंदर फिलिंग करता है, जस्ट लाइक अ सेम वही चीज़ होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। एक मल्टीनेशनल ब्रांड होता है, इनके एक अपने एक खर्चे होते हैं, इनके एक डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर की फीस है, फिर उनकी बॉटल्स हैं, उनकी कुछ भी है, नाम के पैसे होते हैं। हम लोग विदाउट नेम देते हैं इसलिए सस्ता पड़ता है। पाकिस्तान में दो ही होलसेल मार्केट हैं, एक सिंध में जैसे कराची में और एक पंजाब जिसका शहर लाहौर है, यही दो जगह हैं जहाँ पे होलसेलर हैं। पंजाब की सारी जो मार्केट है, फैसलाबाद हो गया, गुजरावाला हो गया, शेखपुर हो गया, खानेवाल हो गया और दूसरे शहर हैं पंजाब के, वो डिपेंड तो लाहौर पे करते हैं ना, हमसे आके ले जाते हैं परफ्यूम होलसेल रेट पे ले जाते हैं और परफ्यूम वगैरह बेचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। व्यू 360 में के बारे में अपनी फीडबैक देने के लिए आइए facebook.com/voaurdu के पेज पर। सारा जमान और साकिब अल इस्लाम को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।